हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आपको लेटेक्स में डिक्शनरी क्यों इंस्टॉल करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, डिक्शनरी के मेनली काम है कि जैसे आप कोई स्पेलिंग गलत लिख देते हैं तो वो वहां उसके नीचे एक रेड कलर का हाईलाइट कर देगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख के कुछ शो करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कम्प्लेक्सिटी लिखता हूँ, ठीक है, CMPLEXETY में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने रॉन्ग स्पेलिंग लिख दिया। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ नहीं बता रहा। तो आपको डिक्शनरी पहला नंबर तो जो नया वाला वर्जन है टेक्स्ट स्टूडियो का उसमें बाय डिफॉल्ट भी इनबिल्ट है। ठीक है, हम एडिशनल डिक्शनरी इंस्टॉल करने की बात करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक नन करके है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो नन ऑप्शन दे रहा है इसको आपको चेंज करना है। ठीक है, आप में इनबिल्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, नन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो जो हम लोग मेनली यूज करते हैं वो यूएस इंग्लिश करते हैं, यूएस बेस्ड इंग्लिश। ठीक है, फिर भी आप कोई और भी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, बाय डिफॉल्ट मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट स्टूडियो में क्या रहता है, डी जर्मन वाला लैंग्वेज इंस्टॉल्ड रहता है बाय डिफॉल्ट। अगर बाय डिफॉल्ट आप में डी मतलब जर्मन लैंग्वेज इंस्टॉल्ड है तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका स्पेलिंग सही नहीं बताएगा। आपको सिंपली स्पेलिंग चेक करने के लिए क्या करना होगा, इस पे जो वर्ड आप एज्यूम करिए आप इसका प्रिलिमिनरीज का आप देखना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर्सर लेगा, इसके बाद राइट क्लिक किए। ठीक है, तो राइट क्लिक करके आपको एक सजेस्ट करेगा कि आपका करेक्ट वर्ड क्या होगा उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जर्मन लैंग्वेज है तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, हम इंग्लिश यूज करते हैं। आपको यूएस बेस्ड इंग्लिश जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मैंने कम्प्लेक्सिटी का रॉन्ग स्पेलिंग लिखा था तो यहाँ पे आप देखेंगे इस पे जब राइट क्लिक करेंगे आप तो ये यहाँ पे उसके लिए इक्विवेलेंट जो भी स्पेलिंग से वो सजेस्ट करेगा। तो यहाँ पे जैसे कंप्लीट कम्प्लेक्स कम्प्लेक्सिटी, तो मैं क्या कम्प्लेक्सिटी लिखना चाह रहा था तो आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसको करेक्ट कर देगा। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपका इसमें नहीं दे रहा है या फिर ये दे रहा है फिर भी आप एडिशनल डिक्शनरी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको सिंपली ऑप्शन, ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो है कन्फिगर टेक्स्ट स्टूडियो, इस पे क्लिक करना है। ओके, टेक्स्ट स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद आपका जो इंटरफेस खुलेगा उसमें लैंग्वेज पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लैंग्वेज चेकिंग है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ओके, इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ये इंपोर्ट डिक्शनरी का ऑप्शन है। ओके, तो इस इंपोर्ट डिक्शनरी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए देगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रेजर डाटाबेस में ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे मैंने यूएस कर रखा है, ENUS जो इंग्लिश हमने सिलेक्ट किया था। आपके केस में या तो ये नन रहेगा इस टाइप से रहेगा या फिर जो आप लैंग्वेज वहां पे सिलेक्ट करेंगे वो रहेगा। तो आपको एडिशनल डिक्शनरी डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए इंपोर्ट का ऑप्शन दे रहा है तो आप ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे लिब्रे ऑफिस पे क्लिक किया, ठीक है, तो आपको एक एक्सटर्नल लिंक पे ये ले जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आ गया है, तो आप जो भी इंस्टॉल करना चाहते हैं पैकेज जिस लैंग्वेज का भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सिमिलर मैनर में आप जब ए ओपन ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी उसी टाइप का कुछ इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे रहा है, तो फॉर एग्जांपल आप जो भी जर्मन कनाडियन जो भी इंग्लिश जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो एज्यूम करें मैं करना चाहता हूँ इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आप सिंपली इंग्लिश लिख के इसमें सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो ऑप्शन आ गया था, इंग्लिश डिक्शनरी फॉर एपचे ओपन ऑफिस, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसको क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देख रहे होंगे डाउनलोड एक्सटेंशन, ठीक है, तो इस पर आप ऐसे सिंपली क्लिक करेंगे जैसे बाकी सॉफ्टवेयर से या बाकी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करते हैं उस वे में ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस पैकेज में क्या क्या कॉन्टेंट है। ओके, यहाँ पे आ गया, मैं इसको सिंपली सेव पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, 5.8 MB का है। अब जो फाइल हमारा डाउनलोड हो गया, ठीक है, उस फाइल को आप क्या करेंगे कॉपी करके जो आपका प्रोग्राम फाइल है, ठीक है, अभी जो मेरा डाउनलोड हुआ था उसको मैं क्लिक कर लेता हूँ कॉपी। ये देखिए ये फाइल मेरा अभी डाउनलोड हुआ था, इसको सिंपली आपको क्या करना है कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेना है। ठीक है, आपको सी ड्राइव में जाके, ये जो सी ड्राइव है इसमें जाके आपको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर टेक्स्ट स्टूडियो जहां पे होगा आप देख लेंगे यहाँ पे टेक्स्ट स्टूडियो मेरा ये रहा। इस टेक्स्ट स्टूडियो के अंदर जो डिक्शनरी है इसमें आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी आप पेस्ट करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा ऑलरेडी पैकेज है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आपके टेक्स्ट स्टूडियो में जाना है। टेक्स्ट स्टूडियो में इंपोर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, इंपोर्ट पे क्लिक होने के बाद आप देख रहे हैं जैसे मैंने डिक्शनरी में रखा था ये फाइल यहाँ पे अपीयर हो गया है। आप इसको सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये समथिंग यहाँ पे कुछ पूछ रहा था, आपको यस कर देना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिख रहा है सिलेक्टेड फाइल डज नॉट सीम्स टू कंटेन ए
स्पेल डिक्शनरी, डू यू वॉन्ट टू इम्पोर्ट दिस वर्डलेस, ओके। तो आपको सिंपली इसी वे में जो भी आप लैंग्वेज का इम्पोर्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि आपका इम्पोर्ट हो गया है, बोल रहा है कि आप इसको ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल एस कर दिए, तो अब ये आपका डिक्शनरी ऐड हो गया। यहाँ ओके कर दिया मैंने, ओके करने के बाद ये मेरे पास डिक्शनरी इम्पोर्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे इंग्लिश के लिए ऑप्शन आ गया, इंग्लिश यूके बेस्ड, इंग्लिश कनाडा बेस्ड, इंग्लिश यूएस, ये तो पहले से हमारे पास था, इंग्लिश साउथ अफ्रीका, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आप जो भी इसमें सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको यूएस वाला लेना है, और इसमें में आपको सिंपली किसी को भी करेक्ट करना है तो जस्ट आप राइट क्लिक करना, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हालांकि ट्रिग्नोमेट्री मेरा करेक्ट वर्ड है, सो इसको मैं रिप्लेस नहीं करूंगा, बट अगर आपका ऐसे जैसे मैंने कॉम्प्लेक्सिटी का शो किया था तो आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे सजेस्ट कर देगा कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल शो करता हूं, मैंने लिखा आर ई एल आई एस ई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सजेस्ट करेगा वो जेड वाला करेगा, ठीक है, आर ई एल आई जेड ई। तो राइट क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे देखिए रियलाइज आ गया, इवन तो इसके सिमिलर और भी वर्ड्स आ गए कि आप कुछ और लिखना चाह रहे थे तो इसमें से कोई मैच कर रहा है क्या, तो वो उस डिक्शनरी का ही कमाल है कि आपको यहाँ पे सजेस्ट कर देता है। मैं यहाँ पे रियलाइज सिंपली सिलेक्ट कर लिया, तो इस वे में आप अपने जो भी पेपर राइटिंग करते हैं या आर्टिकल लिखते हैं, जो भी आप लिखते हैं, थेसिस लिखते हैं, तो ये आपको उसमें काफी हेल्प करेगा, ओके। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, थैंक यू।